आपको प्रतिदिन एक इंग्लिश का लेसन याद करना चाहिए। यस, आज के इस वीडियो में हम शुड का प्रयोग सीखेंगे। शुड का सही प्रयोग कैसे करते हैं, ऐसे कौन कौन से मोड हैं जहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, किस सेंटेंस में हम शुड यूज करेंगे और किस सेंटेंस में हम शुड बी को यूज करेंगे। मैं केके त्रिपाठी एक बार फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मॉडल वर्ब शुड का यूज। ओके, शुड हम तीन कंडीशन में यूज करते हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हम इन्हीं तीन कंडीशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहली कंडीशन है जब हम किसी के एडवाइस देते हैं, या किसी को रिकमेंड करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में जब हम किसी की ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन मींस ड्यूटी, जब हम ड्यूटी की बात करते हैं, हिंदी में कर्तव्य की बात करते हैं, तब हम शुड का उपयोग करते हैं। तीसरा है टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। प्रोबेबिलिटी मींस संभावना, एक्सपेक्टेशन मींस जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। तीन कंडीशन है, रिकमेंडेशन या एडवाइस, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, तीसरा प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन। जब आपके सेंटेंस में ये चीजें झलकती हैं, आप शुड का उपयोग करते हैं। इसके पहले हम एक चीज और देखेंगे, शुड सेंटेंस में कैसे फिट होता है, शुड को लेकर के हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शुड। सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, किसी सब्जेक्ट को बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, तो पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके साथ फिर हम शुड यूज करेंगे, और उसके बाद में हम मेन वर्ब यूज करेंगे। इसको हम देखें तो इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब। अब यहां पर मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहला, शुड इज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब होता है चेंज नहीं होता है। जैसे आप और इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखते हैं और हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं, वो चेंज हो जाती है, बट शुड चेंज नहीं होता है। इनवेरिएबल, नो चेंज इन फॉर्म। सेकंड, मेन वर्ब यूजली इन बेस फॉर्म। मेन वर्ब बेस फॉर्म में आती है। अब इसके हम सेंटेंस बना करके देखते हैं। यहां तीन सेंटेंस हैं, ही शुड वर्क, उसे काम करना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब। यहां शुड की फॉर्म में चेंज नहीं होंगे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब होगा। अब शुड के साथ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, यू शुड नॉट गो। सिंपली आपने यहां पर Not यूज किया है, यू शुड प्लस नॉट प्लस गो। तीसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चन सेंटेंस, शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, शुड आई गो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंस विद शुड हमने पढ़े हैं। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे शुड का यूज कब होगा और सेंटेंस में शुड बी का यूज कब होगा। फॉर एडवाइस, यू शुड गेट अ हेयर कट, जब आपको कोई सलाह देता है आपको अपने बाल कटवा लेने चाहिए। यू शुड गेट अ हेयर कट, आपको कोई सलाह देता है। यू शुड नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से सलाह लेते हैं, किसी की रिकमेंडेशन लेते हैं, व्हाट शुड आई वेयर, मुझे क्या पहनना चाहिए। इन सेंटेंस में हमने देखे रिकमेंडेशन या एडवाइस। एक चीज हम इस सेंटेंस में और देख रहे हैं, यहां पर सिर्फ शुड का यूज हो रहा है, शुड का यूज हो रहा है, शुड का यूज हो रहा है, तो शुड ही का यूज कब होगा। नेक्स्ट हम सेंटेंसेस में देखते हैं शुड बी का यूज कैसे होता है, कब होता है। शुड बी का यूज होता है
जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, जब हम ड्यूटी की बात करते हैं, जब हम ऐसी बात करते हैं कि इस समय तो ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए, ऑब्लिगेशन ड्यूटी, यू शुड बी एट वर्क नाउ, अब आपको काम पे होना चाहिए, आप काम पे नहीं है, एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको काम पे होना चाहिए, यू शुड बी एट वर्क नाउ, बी यू शुड बी एट वर्क नाउ, सेकेंड सी शुड बी हेयर बाई 9:30 AM, इसमें उसकी क्या ड्यूटी है, क्या ऑब्लिगेशन है, उसको यहां पर 9:30 AM पर होना चाहिए, सी शुड बी, यहां पर आप सिंपली एडवाइस कर रहे हैं, आपको अपने बाल कटवाने चाहिए, इट्स योर इंटरेस्ट, आप बाल कटवाइए ना कटवाइए, दिस इज द नॉर्मल एडवाइस, दिस इज द नॉर्मल रिकमेंडेशन, बट इन दिस केस दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज द ऑब्लिगेशन, यू शुड बी एट वर्क नाउ, आपको काम पे होना चाहिए, सी शुड बी हेयर बाई 9:30 AM, नेक्स्ट देखते हैं और शुड बी कहां कहां पर यूज होता है, बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल है, देखते हैं, यू शुड नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम, यू शुड बी एट स्कूल, दो सेंटेंस हैं, एक में ही, यू शुड नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम, क्या ये इस समय जो एक्सपेक्टेशन है, देयर इज समथिंग नॉट राइट, क्या नहीं राइट है, यू शुड नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम, तुम्हें इस समय फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, यू शुड बी एट स्कूल, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज द ऑब्लिगेशन, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, ऑब्लिगेशन, यू शुड बी एट स्कूल, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, नेक्स्ट एक कंडीशन और है जब हम शुड बी को यूज करते हैं, वो कंडीशन क्या है, इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी हम शुड बी को यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस देखते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ओबे करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, योर पेरेंट्स शुड बी ओबे, तुम्हारे पेरेंट्स की आज्ञा मानी जानी चाहिए, योर पेरेंट्स शुड बी ओबे, ओके, तो अब इस वीडियो में हमने जाना शुड और शुड बी में क्या डिफरेंस है, शुड को हम मोस्टली कहां कहां यूज करते हैं, बट प्लीज ऑलवेज रिकमेंड दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो लर्न, और उनके साथ आप डिस्कस करिए इस वीडियो के बारे में, और इनको एक सीक्वेंस में देखते रहिए, और इसके लिए जरूरी है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आपको वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।